ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर ई श्रम लिखकर सर्च कर लेना है। आपके सामने पहला लिंक आएगा ई श्रम होम का, तो इसी लिंक के ऊपर क्लिक करना है। इस प्रकार से आपके सामने गवर्नमेंट का जो पोर्टल है ई श्रम कार्ड वाला, ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको तीन अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिया, इसके आगे अपडेट का ऑप्शन है, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, अपडेट पर आएंगे तो इस तरह से आपके सामने पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर क्लिक करना है। अपडेट प्रोफाइल यूजिंग आधार आएगा, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है और जो कैप्चा कोड दिया है इसे यहाँ पर टाइप करना है। नीचे दोस्तों सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वह ओटीपी यहाँ पर आपको टाइप करना है। उसके बाद नीचे सबमिट कर देना है। जैसे आप इसे सबमिट करते हैं आपके सामने इस तरह से नया पेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपना जो आधार नंबर है उसे टाइप कर देना है, ओटीपी को सिलेक्ट करना है, उसके बाद कैप्चा कोड जो दिया है इसे यहाँ पर टाइप करना है, सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, तो उसे आपको यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद वैलिडेट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसे वैलिडेट करेंगे इस तरह से प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान देना है, ये जो चेकबॉक्स दिया है इस पे आपको क्लिक नहीं करना है। ठीक है, नहीं तो आपका ई श्रम कार्ड डिलीट हो जाएगा, तो ये गलती आपको नहीं करना है। यहाँ पर बस आपको अपडेट ई केवाईसी इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। आपके सामने यहाँ पर तीन ऑप्शन खुलकर आ जाता है, जिसमें दोस्तों जो बीच वाला ऑप्शन दिया है डाउनलोड यूएन कार्ड, इसी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। आपके सामने जो आपका ई श्रम कार्ड है ये ओपन होकर आ जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब दोस्तों अगर मान लीजिए आपने ई श्रम कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं किया, प्रिंट नहीं किया है, तो ऐसे में आप यहाँ से अपना ई श्रम कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बस डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका जो ई श्रम कार्ड है ये डाउनलोड हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो आप अपना ई श्रम कार्ड यहाँ से डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उस स्कीम के बारे में जहाँ पर दोस्तों आपको हर महीने का 3000 रुपए मतलब मिलेगा अकाउंट में। तो उसके लिए यहाँ पर अलग अलग स्कीम दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसी में एक स्कीम है एनरोल फॉर पेंशन, तो ये वाला जो ऑप्शन दिया है इसी पर आपको क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक हियर आएगा, तो इस पे आपको क्लिक करना है। तेरा सूट भी।